अस्सलाम वालेकुम, मैं अपना मुबशिर मुनव्वर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुबशिर मुनव्वर ब्लॉग्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग घर के साथ होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी घर के साथ हैं। इसके साथ आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वैसे आज संडे भी है तो जरूर फिरता है। क्या बात है, अब्बा जी बैठे किधर है? दुकान पे बैठे। अब्बू जी किधर गए? तो अब्बा जी दुकान पे बैठे हैं, तो अब्बू जी मेरे घर में गए होंगे, तो अब्बा जी को बताऊंगा। आपको अब्बा जी के पास जाते हैं और अब्बा जी ने मुझे बुलाया है, हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई काम जो है वो भी कर देंगे और अब्बू जी के बारे में भी पूछ लेंगे। हाँ जी, तो अभी मैं इधर अब्बा जी के पास आ चुका हूँ। अब्बा जी आपने मुझे बुलाया है? हाँ। की काम बुलाया? मैं पूछ रहा हूँ भाई कहाँ कहीं वहाँ पट्टे छठे बना रहे बट देर के नहीं पट्टे पट्टे ना अभी हमने नहीं काटे, जो चारा है ना नहीं काटा अभी तक, तो वो काटना है। हाँ तो काटना है, टुकना है, बतना है। तो ये हमारे से में काम लगाया है आपने है। जी तो ये काम कर देंगे। तो आप दुकान पे क्यों बैठे? अब्बू जी किधर हैं? कहीं काम थे? काम थे यार। जी इसी काम के लिए आपने मुझे बुलाया कि गाय को चारा डालना है? तो अभी इधर जरेज खड़ा है। जरेज पता लग गया अब्बा जी ने क्या काम का है कि गाय को चारा डालना है। तो अब्बू जी शहर गए हुए, तो चले फिर चारा काटे और गाय को डाले, चले आ जाए। हाँ जी, तो अभी हम घर आ चुके हैं, तो दांती वगैरह जो है ये हमने उठा ली हैं, क्योंकि अब्बा जी ने हमें काम से में लगाया, तो अब्बू जी शहर गए हुए हैं, तो ये जो काम है ना अभी हमें करना पड़ेगा क्योंकि अब्बा जी दुकान पे बैठे हैं। तो अभी अब्बा जी ने कहा है कि गाय के लिए चारा काटना है, तो वो चारा काटते हैं और गाय को चारा भी डाल देते हैं। जी तो अभी हम इधर आ चुके हैं, तो हमने काटना है चारा। तो इस साइड हमारी ये कुछ सब्जियां वगैरह लगी हुई है, तो वो मेरे ख्याल में कोई सब्जी लगी हुई है और उसके ऊपर ना फूल निकल चुके हैं। ये मेरे ख्याल में मूलियां खड़ी हैं, ये वाली ना, इनके ऊपर फूल आ गए हैं। तो इस साइड लगा हुआ है हमारा चारा, तो इस जगह से हमने काटना है चारा। और इस साइड गाय और गाय का बेबी खड़ा है, तो इनको डालना है चारा। तो सबसे पहले हम इस साइड से चारा जो है ये काट लेते हैं। हाँ जी, तो अभी हमने इस जगह से काटना है चारा, तो पहले थोड़ा सा कटा पड़ा है, तो अभी और काटना है गाय के लिए। ये आप देख रहे हैं ये कुछ पौधे हैं, तो इनसे ना सर पे लगाने के लिए जो ऑयल है वो तैयार होता है, तो इनको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सरसों के पौधे हैं, तो इनसे बनता है तेल तैयार होता है। तो अभी ना ये सूख रहे हैं, ये मैं आप लोगों को एक दफा दिखा दूँ करीब से। तो ये इस तरह कुछ सूख जाती है और इनमें ये दाने आ जाते हैं, तो जब ये सारी चारा कट जाता है और उसके बाद ये सरसों बचती है, तो लोग इसको काट के अक्सर धूप पे छत पे रखते हैं और इसके जो दाने वगैरह हैं उनको फिर अलहदा करते हैं सुखा के, तो उनसे फिर सर पे लगाने के लिए ऑयल जो है वो तैयार होता है। तो अभी हमने काटे हैं इसको चारा, और असल में एक मसला बना हुआ है, इन सरसों के ऊपर एक सुंडियाँ आई हुई हैं, सुंडियाँ इसको पता भी कीड़ा वो कहते हैं ना, वो पत्तों को खाती है। हाँ, पत्तों को खाती रहती है, तो वो ना हाथ पे चढ़ जाए ना, उसने काट लेना वो वहाँ पे ना, वो कोई दाग सा बन जाता है कहते हैं, ऐसे जलन सी होती है, तो उससे बचना है तुम्हें। इन पौधों के साथ ना नहीं टकराना, खासतौर पर ये वाले जो पौधे हैं इनके ऊपर ज्यादातर फिरती हैं। तो मैं आप लोगों को एक दफा दिखा दूँ वो किस तरह की सुंडियाँ हैं। ये पौधा है जिस पर सुंडियाँ वगैरह चढ़ रही है, ये देखना, ये यहाँ पर ये कुछ व्हाइट व्हाइट बना हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, अंडे है ना सुंडियों के, ये व्हाइट व्हाइट है, ये देखना, ये देखे सुंडी बैठी है, इसे ना बचना पड़ेगा, मुझे तो डर लग रहा है कहीं काट ही ना ले कोई सुंडी हमें। चलो आप पहले चारा काट लेते हैं, अब ध्यान से इनके साथ ना पौधों के साथ नहीं टकराना। हाँ जी, तो चारा हमने काट लिया है, तो अभी जाते हैं गाय को और गाय के बेबी को और बकरियों को चारा डाल के आते हैं। उठा रहे तो चारा नहीं, तो ये दांतिया पकड़ चारा, मैं उठाता हूँ ये पकड़, वो चारा फिर बिखर जाएगा सारा। अभी चारा उठा लेते हैं और गाय को बेबी को डाल देते हैं। जी, तो अभी हम इधर आ चुके हैं और गाय को ना जल्दी खड़ी जा रही है, इसको डाल दे थोड़ा सा, ये भी डाल दो। और गाय के बेबी को ना इस साइड लाता रख के देना होता है यहाँ पे, और वो अक्सर ना डरता है, नहीं सारा ना डाल, ये बकरियों को भी डालना है। गाय और गाय के बेबी को चारा डाल दिया है, अब्बा जी ने हमें हमारे से यही काम किया था कि गाय और गाय के बेबी को चारा डाल दो, तो बकरियां रहती हैं तो उनको चारा डाल देते हैं। हाँ जी, तो अब्बू जी का काम खत्म हुआ है, तो अम्मी जी ने हमारे में काम लगा दिया है। वैसे सर्दियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं, तो ये रिजाइयां वगैरह जो है ये अम्मी जी ने धोई है, तो अम्मी कह रही इनको छत पे रखो, ये अच्छी तरह सूख जाएगी और फिर हम इसको पेटी में रख देंगे। तो अभी रिजाई मैंने जो है उठा ली है, तो जाते इसको छत पे ले जाते हैं और वहां पर इसको लटका देते हैं सूखने के लिए, ताकि अच्छी तरह सूख जाए। हाँ जी, तो गाय जो है वो हम लेके आ चुके हैं, तो अभी ना इसको इधर लटका देते हैं किसी जगह पे, सही जगह पे, ताकि सूख जाए। धूप भी बड़ी कड़ाके की निकली हुई है, तो इधर हमारे स्कूल के वर्दी वगैरह जो है वो भी सूख रही है क्योंकि आज संडे था। तो अभी इसको किस जगह पर लटकाए? इधर
इस जगह इधर ना, तो इधर ना तार पे लटका देना है। नीचे से लगेगी। हाँ जी, तो अभी जी का काम खत्म हुआ ही है, तो अम्मी जी ने एक और काम जिम्मे लगा दिया है कि आपको पता है कि गर्मी आ रही है, धूप भी निकली हुई है, तो ये मच्छरदानी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि गर्मी में मच्छर जो है वो बड़े फिर काटता है, इंजेक्शन वगैरह लगाता है गर्मियों में जो कि सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, तो उन इंजेक्शन से बचने के लिए फिर हम मच्छरदानी को यूज करते हैं। तो आज ना मच्छरदानी को धोना पड़ेगा, तो ये काम मम्मी ने हमारे जिम्मे लगाया है। जुरेज और मैं मिलके इस मच्छरदानी को धोएंगे, और इस साइड ना चटाई पड़ी है, तो इस चटाई पर ना मच्छरदानी को रख देते हैं खोल के, इस तरह चटाई के ऊपर ना मच्छरदानी को धो देते हैं। चल शुरू हो जाए फिर। हाँ जी। जुरेज तो तैयार है बेसब्री से। अभी जो काम है वो हमने सर्फ सा तैयार करना है, ये एरियल का सर्फ है, तो इससे उस मच्छरदानी को धोना है, तो सर्फ तैयार कर लेते हैं। ये सर कपड़ा जो है अभी भी गीला पड़ा है, इसको पकड़ ले, ये भी कपड़ा पकड़ ले, तो सर्फ जो है ये इसमें डाल दूं मैं, थोड़ा सा मुझे नहीं पता। बस बस बस। तो ये देख कितना मैंने सर्फ डाल दिया, खत्म नहीं होता। अभी इसको हिला लेते हैं। सर्फ को पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लिया, तो सर्फ जो है वो तैयार हो चुका है, तो अभी जाकर मच्छरदानी को धोते हैं। और ये दो कपड़े हैं, ये सुरेश पकड़ लेगा और एक मैं, तो अभी जाते हैं मच्छरदानी के ना वाटर निकाल लेते हैं। तो मच्छरदानी हमारी धुल चुकी है, ऐसे समझो ये वाला काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसको यहीं पे खड़ा रहने देते हैं और सूख जाएगी क्योंकि धूप निकली हुई है कड़ाकेदार। हाँ जी, तो अब्बू जी घर फिरते हैं, आप शहर से कब भाग गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी आया हूँ, थोड़ी देर पहले आया हूँ, बस ये कपड़े चेंज किए हैं क्योंकि आपको पता है ये मेरी सरकारी वर्दी है। हाँ जी, तो ये मेरी पहनना भी मजबूरी, काम काज करना होता तो इस तरह सफाई कपड़े ना खराब हो जाते हैं। तो आप गए ना पीछे से, मैंने बड़े काम किए घर में। अच्छी बात है, आज संडे भी था तो घर में ना किस तरह के काम करने से ना एकदम प्रैक्टिस होती है, वर्जिश होती है, उसका फायदा है आपका नुकसान। क्योंकि अब्बा जी बैठे थे आपकी जगह पे दुकान पे और उन्होंने मेरे जिम्मे काम लगा दिया था कि गाय को चारा डालो काटो, मतलब आप तो पीछे इम्तिहान देते रहे। इम्तिहान देता रहा मैं जनाब, आ गया हूं, मैं सारा काम संभाल लूं। वो चारा काट के फिर अम्मी ने कहा कि वो जो रिजाइन ही होती उसको धो दो। अच्छी बात है, छोटे मोटे काम करने चाहिए क्योंकि ना आने वाले वक्त में इस चीज का एक्सपीरियंस हो जाता है कि काम कैसे होते हैं। हाँ जी, तो जुरेज भी, तो जुरेज ने की बात नहीं है, मैं आ गया हूँ जी, तो आप सारा काम संभालूंगा, आप तो बेस्ट। हाँ जी, तो सुरेश ने भी ना मेरी हेल्प की है साथ। अच्छा बेबी है, माशाल्लाह कजन है ना, आपसे बहुत प्यार करता है। हाँ जी, अभी हम काम वगैरह से फारिक हुए हैं, तो अब्बू जी भी आ गए थे, तो अभी हमने जाना नहाना है, मिरासी मान गए पहले वो सर्फ के साथ वो मच्छरदानी को धोया है, फिर वो बिस्तरे को धोया है, और बाद में चारा छारा डाला है ना, वो सारे कपड़े खराब हो गए, अभी जाते हैं नहाते हैं। इसके साथ आज की वीडियो का आप एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे हर न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसके साथ अगली वीडियो तक चल सक दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।